और अभी हम लोग देखते हैं कि चीजें कैसे ढूंढी जाती है। कंट्रोल एफ फाइंड एंड सिलेक्ट का फंक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे नाम है राहुल, आदित्य, सलमान, आमिर, अक्षय, ठीक यार है, राज, ठीक है, यहाँ पे इतने नाम है। अगर मुझे ढूंढना है कोई नाम, अभी तो ये लिस्ट बहुत छोटी है, ठीक है, हाँ बड़ा आता तो बड़ा रहता तो ढूंढने में तकलीफ जाती बराबर। तो अभी हम लोग हाँ क्या करते हैं, नाम ढूंढते हैं। अब मैं ढूंढता हूँ नाम। नाम ढूंढने के लिए दो तरीका है, एक यहाँ जाओ फाइंड एंड सिलेक्ट में और फाइंड पकड़ो और यहाँ पे लिखो अक्षय, हाँ जो भी नाम ढूंढना है या जो भी चीज ढूंढना है फाइंड बोलना है। तो ये अक्षय पे वो सेल आ गया है, ठीक है, करेक्ट। हाँ और इसका ही दूसरा एक शॉर्टकट मेथड है, जो कि है फॉर्मूला, जो कि हम लोग शॉर्टकट की है, कंट्रोल और एफ दबाने के बाद फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आता है यहाँ पे। अब मुझे कोई नाम है जो बदलना है, समझ लो मुझे सलमान का नाम बदलना है, तो सलमान का नाम बदल के मुझे कटरीना करना है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एफ दबाऊंगा, यहाँ लिखूंगा सलमान, और यहाँ पे जो है नीचे जो टैब रिप्लेस वो दबा के वहां पे मैंने कर दिया कटरीना। अब मैं करता हूँ रिप्लेस ऑल, दबाता हूँ, तो क्या हो गया, ये देखो यहाँ पे जो पहले वन रिप्लेसमेंट डन, यहाँ पे जो पहले सलमान नाम था वो रिप्लेस हो गया। तो ऐसे हम लोग फाइंड और रिप्लेस का यूज करते हैं। अब इसमें है ये जो है फाइंड विद इन शीट है, ओके, शीट मतलब क्या होता है, ये पर्टिकुलर शीट, और इसके जगह हम लोग वर्कबुक भी कर सकते हैं। वर्कबुक मतलब ये चारों शीट से वो ढूंढेगा और रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे अगर वर्कबुक करते हो तो उसमें चेंज हो जाता है। तो जो भी अपने को कंट्रोल फाइंड करना है, रिप्लेस करना है, हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि हाउ टू स्प्लिट सेल्स इन एक्सेल। तो इसको क्या करना है, जो डेटा को स्प्लिट करना है उसको पहले चूज कर लेंगे, फिर हम लोग जाएंगे डेटा में, डेटा में जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम में अपने को दो ऑप्शन है, एक डेलिमिटेड और दूसरा है फिक्स विड्थ। तो हम लोग क्या करते हैं, वो अच्छे से पता करने के लिए देखते हैं, ये अगर हम लोग लेते हैं किसमें जाएंगे सर डेलिमिनेटेड, उसमें सर? तो नेक्स्ट जाके नेक्स्ट में यहाँ पे देखना है कि हमको क्या है हमारे डेटा के बीच में, सेमी कॉलन है, नहीं है, हमारे डेटा के बीच में क्या है, स्पेस है, तो हम लोग चूज करते हैं स्पेस को। तो ये यहाँ पे नीचे प्रीव्यू दिखा रहा है, जैसे ए कॉलम में आया डेटा, जहाँ पे भी स्पेस है उसको उसने स्प्लिट करके नेक्स्ट शीट में डाल दिया। तो अब नेक्स्ट दबा देता हूँ और इसको बोलता हूँ जनरल, जैसा है वैसा फॉर्मेट रख सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, कुछ फॉर्मेटिंग करना है तो यहाँ पे वापस से दबा सकते हैं, नहीं तो फिनिश बोल दो। तो ये हो गया स्प्लिट में, स्प्लिट कर दिया डेटा जो एक शीट में था। अब हम लोग देख रहे हैं नंबर और टेक्स्ट को अलाइन कैसे करते हैं। अभी कभी क्या होता है, कभी हम लोगों को कुछ नंबर लेफ्ट साइड में चाहिए, कभी बीच में चाहिए रहता है, कभी लेफ्ट साइड में चाहिए, तो वो कैसे चेंज करें। अगर नॉर्मल लिखते हैं तो लेफ्ट अलाइनमेंट रहता है ये वाला, ठीक है, अब हम लोग इसको करते हैं लेफ्ट अलाइन, तो कुछ चेंज नहीं हुआ। अब इसको हम लोग बदलते हैं सेंटर अलाइनमेंट करते हैं, तो ये सेंटर हो गया, तो वही नाम में ये बीच में दिख रहा है। अब अगर इसको हम लोग राइट अलाइनमेंट करते हैं तो ये दिखता है राइट साइड में, अगर कहीं पे जरूरत गिरती है तो हम लोग अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। उसके ऊपर भी अगर हम लोगों को समझ लो अगर नंबर का बदलना है, अभी ये फॉन्ट बड़ा है तो नहीं समझेगा, अभी ये रहा तो ऊपर टॉप, तो ये क्या होता है लेफ्ट और ऊपर, तो सेल के ऊपर के साइड में दिखता है, जब हम लोग बड़ा नाम लिख देते हैं, समझ लो राज, आदित्य, कुमार, ओके, अभी इसको हम लोगों ने रैप कर दिया। तो ये जो नंबर है एक नंबर, इसको मैंने अपर रखा है, इसको मिडल करता तो ये बीच में आ जाता और इसको लोअर करता तो नीचे आता है,
जब रैप टेक्स्ट करके किसी का विड्थ बढ़ जाता है, तो अगर हमको बीच में रखना है तो इसको सेंटर दबाए या अपर चाहिए तो ये, या फिर लोअर, ठीक है। ऐसे हम लोग अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि बोल्ड कैसे करना है। बोल्ड करने के लिए ये बी बटन दबाना है, या फिर हम लोग कंट्रोल बी दबा सकते हैं, कंट्रोल और बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी दबाने से बोल्ड होता है, अनबोल्ड होता है, बोल्ड होता है, अनबोल्ड होता है। अब ये है इटैलिक, ये दबाया तो होता है, इसको कंट्रोल आई दबाने से नॉर्मल, कंट्रोल आई दबाने से ये, सो कंट्रोल कंट्रोल आई, बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक फॉन्ट, कंट्रोल यू से अंडरलाइन, कंट्रोल यू से ये, तो ये यू बटन दबाने से अंडरलाइन आ जाता है, यू बटन छोड़ने से अंडरलाइन चले जाता है। अभी मैं इसको नॉर्मल करता हूं और यू, तो हम लोग सीखे हैं कि कंट्रोल यू दबाने से आता है अंडरलाइन। तो अभी हम लोगों ने सीख लिया है ये। तो अभी हम लोग अगर कोई टेक्स्ट का ओरिएंटेशन चेंज करना है तो कैसे करें? समझो यहाँ पे राज नाम लिखा है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे ओरिएंटेशन में, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब एंगल है, वर्टिकल कर देता हूँ इसको, तो ये ऐसा दिखेगा। इसको रैप टेक्स्ट कर दिया तो चेंज हो गया, नॉर्मल रैप हटा दिया तो करेंगे, रोटेट कर दिया, ठीक है, इसको बाद रोटेट अप टू डाउन कर दिया तो इधर से आ गया। तो इसी तरह ये फंक्शन का यूज कर सकते हैं।